अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम ये जो छोटा सा फ्रॉक बना रहे थे उसका दूसरा वाला पार्ट बनाने वाले हैं। ये देखिए, मेरा ये बैक साइड इसकी कंप्लीट हो गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ यूं करके। ये देखिए, मेरी ये 6 इंचीज जो है वो हो गई। ठीक है, आप अगर इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। मेरी ये 6 इंचीज़ हो गई और इसमें काफ़ी ये स्ट्रेच है, ये देखें काफ़ी स्ट्रेच भी है। ठीक है, अब जैसे हमने ये वाला शोल्डर बनाया था, बिल्कुल इस तरह से हमने ये शोल्डर बनाना है इसका आगे से, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ तक आकर बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहला अपना शोल्डर जो था वो उसको अलग किया था, उसी तरह से यहाँ हमने 25 25 हम लोगों ने इसकी चेन्स ले लेनी। 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, और ये हमारी 25 चेन्स होंगी हो गई। ठीक है, और 25 चेन्स लेने के बाद मैं एक वन चेन लूँगी टर्न लेने के लिए। अब इसमें मैं सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊँगी इस तरह से। इसमें मुझे हर चेन के हर उसमें मुझे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ये देखिए इस तरह आपने काउंट करके तो फिर ये चेन्स लेनी है। ये देखिए, मैं इस तरह से ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके ना आपको यहाँ से फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा फिर से वही चीज़ पहले की तरह ये स्टार्ट हो जाएगी। और हमने ये देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने 2 लिए थे और अब मैं 3 3 यार्न ओवर ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पर बनाती जाऊँगी। ये देखिए, अब मैं फिर से वही उसी तरह से कंप्लीट करूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी बैक साइड हो गई और ये हमारी फ्रंट साइड का एक पार्ट हमने पहले बनाया था। ये देखिए, ये अब हमारा फ्रंट साइड का सेकंड वाला जो पार्ट है वो इधर से स्टार्ट हो गया। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये बिल्कुल इसी तरह से हमारा, हम यहाँ पर हैं, ये चीज़ बना रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा फ्रंट साइड का नेक्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से। और हम ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9
नौ जो है वो ये वाली ऐसी लाइनें बनानी है ऐसी रोज़, और वो 18 रोज़ में, 18 रोज़ में वो 9 जो है वो हमारी कंप्लीट होंगी। ठीक है, वो हमने कंप्लीट करके तो फिर हमने कितनी कंप्लीट करनी है, यहाँ तक 6 तक हमने कंप्लीट करनी है। और फिर हमने ये देखें यहाँ से, फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये हमने नेक का ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से कैसे करना है। यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करूँगी और फिर मैं यहाँ से आपको बताऊँगी। और बाकी ये हमने 3 रोज़ जो हैं ये हमने बाद में बनानी, वो हमारी सिर्फ यहाँ तक जाएगी। ठीक है, तो आप 6 रोज़ 6 ये इस तरह की लाइनें बनाएं जो हमारी 12 रोज़ में बनेंगी, तो उसको कंप्लीट करें। ये फ्रंट पार्ट का यहाँ तक कंप्लीट करें और फिर मैं आपको दिखाऊंगी और नेक्स्ट बताऊंगी कि ये हमें नेक का ये वाला पार्ट यहाँ से कैसे। ठीक है, तो आप भी कंप्लीट करें, मैं भी कंप्लीट। ये देखिए ये मेरा ना कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। अब मैं ये जो मेरा नेक का मैंने ये वाला हिस्सा बनाया था, ये वाला यहाँ पे आ गई हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि आपने यहाँ से ये कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद मेरी ये 2-3 लाइनें बनेगी और हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से मैंने आके टर्न ले लिया है यहाँ से। ठीक, यहाँ से मैंने टर्न ले लिया है, कितने मैंने छोड़े हैं, जितने मैंने यहाँ पे चेंज बना के इसको मैंने बड़ा किया था। हम ये फर्स्ट वाले पार्ट के यहाँ से हमने स्टार्ट की थी अपनी फ्रॉक, तो फिर इसके ये 12 या 13 चेंज ली थी। काउंट करके उतनी ही चेंज मैं इधर से स्किप करूँगी, छोड़ दूँगी। ठीक है, तो मैं ये मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पे आके तो मैंने क्या करना है, मैंने यहीं से टर्न ले लेना। ठीक है, यहाँ से मैं टर्न ले लूँगी वापस। ये देखिए यहाँ से मैंने वापस टर्न लिया है। ये अब ऊपर वाले हमें यहाँ से नहीं बनाने, ये वाला चूँकि पार्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, ये वाले हमने यहाँ तक स्किप किए, छोड़े हैं 13 मैंने छोड़े हैं। उसके बाद मैं ये कंप्लीट करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमने क्या करना है। ये देखिए ये मेरी रो भी कंप्लीट हो गई है और मैं यहाँ से फिर चेन 1 लूँगी और यहीं से फिर से टर्न ले लूँगी। आपने इसी तरह से टर्न लेके तो ये नेक वाली जो साइड है इसको भी कंप्लीट कर लेना है। जितनी हमारी दूसरी साइड की बनी हुई है उतनी ही हम इस साइड की भी बना लेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऊपर से कैसे सिलाई करना है और हमें जो नेक वाला नेक है हमारी उसकी एजिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये देखें यहाँ से मैं टर्न लेके वापस आ रही हूँ। मैं इसको भी इसके इक्वल करती हूँ, इसके बराबर करती हूँ, तो फिर मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और फिर बल्कि मैं यहाँ पे आके फिर हमें ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट वाली इसकी ये बनानी है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें, मैं भी यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए मेरा मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मेरी इस तरह की एक और पट्टी आखिरी रह गई है, तो उससे पहले हमने जैसे ये वाला फ्रंट पोस्ट का हमने ये इसका लाइन सी बनाई थी, इसी तरह हम इस साइड पे भी स्टार्ट में आके वही बनाएंगे। वो मैं आपको एक दफ़ा से फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट स्टिच मैंने इस तरह से लिया है और ये देखिए सिंगल क्रोशिए की हमने फ्रंट पोस्ट की ये पूरा ऊपर उठाना है, आप फ्रंट पोस्ट की ये वाली रो बनानी, ये देखिए। ठीक है,
इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करूँगी ये पूरी को, और आप भी कंप्लीट करें। और फिर नेक्स्ट वाली जो है वो हमें बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, और फिर उसका मैं फिर आपको एंड में दिखाती हूँ कंप्लीट करने के बाद। ये मैं पूरी इसी तरह फ्रंट पोस्ट डबल सिंगल क्रोशिया की यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, और यहाँ सिंगल क्रोशिया करके फिर इस तरह की बनाऊँगी। ठीक है, ये देखिए ये मेरी रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मेरा यहाँ से कंप्लीट हो गया है, और ये जो हमें एंड पर सिंगल क्रोशिया करना है वो हमें ये पूरे इस तरह से स्टिच में करते जाना, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में चेन लेकर उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया किया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने यहाँ पे ये इसका एंड वाला जो हमारी रो है इसको मैं इसी तरह ऊपर स्टिच में सिंगल क्रोशिया करती जाऊंगी। ये देखें इसी तरह से जैसे हमारा इसके फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करूँगी, और नेक पे जाकर मैं फिर आप से शेयर करती हूँ। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। ये देखें एक साइड से मैंने नीडल के साथ इसको स्टिच कर दिया है, तो आप चाहें तो क्रोशिये से भी कर सकती हैं। मैंने इसको यहीं पे छोड़ा है, और मैं ये साथ साथ इसकी एजिंग बनाऊंगी। पहले मैं आपको ये मैंने नीडल में थ्रेड डाला है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला पार्ट हमें ऊपर से इस तरह से सीना है, ठीक है, ये वाला मैंने इधर ही छोड़ा है। और यहाँ से मैंने ये देखिए ये जो इसका एंड है उसको हम जैसे नॉट बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने नॉट बना लेनी, ये देखिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये दोनों हमें इक्वल रखने हैं इस तरह से बिल्कुल बराबर, जैसे हम हुक में क्रोशिये में एक इधर से और एक इधर से लेके तो इसको करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब ये वाली हुक में मैंने ये नीडल को एंटर कर लेना है, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको सी देना है, और ये वाला जो है इसको हम साथ साथ अंदर करते जाएंगे। यहाँ स्टार्ट में मैं दो स्टिचेस लगाऊंगी, ये देखिए उसी स्पेस में, फिर मैंने एक नेक्स्ट आगे से लिया और इधर से भी लिया और उसको सी दिया। इसी तरह से मैं एक इधर से स्टिच लूँगी और एक इधर से स्टिच लूँगी और इसको इस तरह से स्टिच करती हूँ। आप चाहें तो आप क्रोशिया हुक से भी इसको कर सकती हैं, अक्सर मेरी वीडियो में मैंने उसी के साथ इसको सिलाई किया है, ये देखिए इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। और ये जो हमारा एज था इसका सिरा था हमारे यार्न का वो भी अंदर ये देखिए हाइड हो गया। दोनों साइडों से इक्वल रखना है, देखिए मेरा एंड हो गया इसका, और मैं एंड पे भी इसको इस तरह से दो तीन स्टिच इकट्ठे ले लूँगी, दो तीन दफा आएगी यहाँ से करके,
यहाँ पर लाकर इसको मैंने ये देखिए अच्छी तरह से पक्का कर दिया इसको। दूसरी दफा में भी, और अब ये जो इसका है इसको मैं अंदर ही अंदर ये देखिए ऐसे कर दूँ और यहाँ से मैं इसको कट कर दूंगी। ये देखिए हमारा कितना नीट सिला है और ये भी काफी स्ट्रेच है। ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही थी। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अगर तो आपने इसी तरह से ये नेक का ऐसे ही रखना है ये कॉर्नर वाला, तो आप फिर अगर दूसरे कलर से इसकी एजिंग करना चाहते हैं तो कर लें, और अगर इसको राउंड करना है तो वो मैं बस आपको बताने वाली हूँ। मैं सिंगल क्रोशिया करते हुए, ये देखिए हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया करते हुए नेक की तरफ जाऊंगी और ये देखिए इसके अंदर वाले कॉर्नर पर पहुंचकर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया लूँगी। ये देखिए मेरा कॉर्नर आ गया ना, फिर मैं हाफ डबल क्रोशिया लूँगी और मैं फिर ये देखिए 3 दफ़ा मैंने हाफ डबल क्रोशिया लिया, 3 स्टिचेस में मिड वाले में और 2 साइडों वाले, और फिर से मैं सिंगल क्रोशिया ले लूँगी। तो ये हमारा इस तरह से राउंड शेप में आ जाएगा, ये देखिए ठीक है। अब मैं सिंगल क्रोशिया करते हुए इसी तरह से दूसरी साइड चली जाऊँगी। ये सिंगल क्रोशिया में करते हुए ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ शोल्डर तक, और फिर दूसरी साइड पे एक दफ़ा फिर मैं इनर वाला जो कॉर्नर है इसका अंदर वाला फिर मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से मैंने उसको राउंड शेप दी। ये देखिए ठीक है, हमारी जो यहाँ पे शेप है वो ये देखिए कुछ राउंड हो गई है। यहाँ पे मैंने ये स्टिचेस बना के इसको राउंड कर दिया है, आप भी इस तरह से बना सकती हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं ये सिंगल क्रोशिया बैक पर भी करते हुए और यहाँ पर भी करते हुए फिर से ये वाला कॉर्नर बनाऊँ। ये देखिए मैं दूसरी साइड पे आ गई हूँ, तो यहाँ पर भी मैंने ये जो कॉर्नर पहले एक है इसमें मैंने आप डबल क्रोशिया बनाया है, और फिर मिड वाले में आप डबल भी बना सकती हैं, और मैंने फिर इसमें भी हाफ डबल और नेक्स्ट वाले में भी हाफ डबल कॉर्नर से अगले वाले, और फिर मैंने सिंगल क्रोशिया करते हुए इसकी एजिंग को कंप्लीट करूंगी। और मुझे दूसरा कलर ऑफ वाइट या क्रीम कलर मैंने आप जो भी कर रही हैं फिर मैं बाकी सारी फ्रॉक की उसके साथ जो है वो करूँगी। ये देखिए इस साइड से भी मेरा ये कुछ राउंड राउंड हो गया है, और अब मैं पूरी फ्रॉक की मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बन गया है, ये देखिए ठीक है। और अब मैं
इसके दूसरे कलर से सारी एडिंग करूंगी और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं ये इसके सारे सिक्योर कर लूंगी और दूसरा कलर से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मैं ये कलर यूज कर रही हूँ इसके साथ, तो ये मैं अब यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी। यहाँ से मैं अपनी हुक को एंटर करूंगी इसके फर्स्ट स्टिच में, इसको मैं साफ साफ बनाती। फर्स्ट स्टिच थोड़ा जो होता है टाइट होता है, ये देखिए चेन बन रही है। और मैंने यहाँ पर मैं मोटी बन गई है, मैं सिंगल क्रोशिए की ही एचिंग करते हुए साथ साथ आपने इसको भी कवर करके जाना है। ठीक है, मैं इसी तरह से इसके ये करते हुए इसको कंप्लीट करूंगी दूसरे कॉर्नर तक। ये देखिए ऐसे, ठीक है, इसको मैं कंप्लीट करूंगी ये, और फिर मैं नेक के ऊपर से होते हुए यहाँ से सारा सिंगल क्रोशिया इस कॉर्नर तक कंप्लीट करूंगी। और फिर कॉर्नर पर आकर मैं फिर आपको बताऊंगी कि हमने इसके नीचे वाली साइड पे क्या करना है। ये देखिए मैं नेक की दूसरी साइड पे आ गई हूँ गले के। यहाँ पर मुझे बटन होल बनाने हैं, बटन लगाने के लिए हुक्स मैंने इसको बढ़ाकर बनाई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और आप इसको टर्न करके यहाँ पर इस तरह से अपने बटन के मुताबिक इतना बड़ा आपने लगाना है। तो मैं फ्लावर सा बना के लगाऊंगी, तो फिर मैं उसके मुताबिक ज़रा थोड़ी बड़ी सी बना रही हूँ। ये देखिए ऐसे आपने बनाकर इसको फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 आठ, मैं फ्लावर बनाऊंगी वो इजीली इस तरह से। फिर मैं इसको यहीं पर आकर इंसर्ट करूँ, ठीक है, ये मेरी हुक बन गई। एट मैंने लिए हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसी जगह पर को मैं दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए आगे चली। आपने जितनी हुक्स बनानी है आप जितने जितने फासले पर, और अगर बटन होल बनाना हो तो फिर हम बटन होल बनाने के लिए 1 2 3 4 जितना बड़ा बटन बनाना चाहें, फिर 1 2 3 4 छोड़ के, तो ऐसे, ठीक है। ये देखें ये हमारा बटन होल बन गया, आप इस तरह से बना सकती हैं। और मैंने फ्लावर्स आगे छोटे छोटे लगाने, तो मैं फिर इसलिए ज़रा थोड़ी हुक मैंने हुक टाइप बनाई, ठीक है। आप ये
इसको एक मैं यहाँ पर बनाऊंगी और बाकी जितने फासले पे आप बनाना चाहें बनाकर इसको यहाँ तक कंप्लीट करें, फिर मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से आके स्टार्ट किया ये कंप्लीट करके, तो ये एक ही स्टिच में मैंने 5 डबल क्रोशिए बनाए, फिर 2 चेन्स लीं, फिर एक ही स्टिच में 5 डबल क्रोशिए बनाए। और अब मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये 2 चेन्स ले लिए मैंने और अब यार्न ओवर किया, यहाँ पे आके मैंने ये जो हमारा बना हुआ है ना, यहाँ पे मैंने आके बनाया, ये देखें, 1 2 3 4 ठीक है। फिर मैं 1 और 2 चेन्स लूँगी, 5 मैंने डबल क्रोशे इसमें बनाए, 2 चेन्स ली, फिर से यहाँ पर आकर इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। इसके नीचे वाले पार्ट को इसी तरह से मैं कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चेन 2 लेकर, फिर मैंने 5 इसमें डबल क्रोशी बनाई, ये देखिए मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। और इसके ये जो यहाँ पर भी मैं इसको सिंगल क्रोशिया, ये कंप्लीट करने के बाद इसके मैं यहाँ कंधों पर, ये मेरी शोल्डर का जो होल है यहाँ पर भी मैं सिंगल क्रोशिया से बना दूँगी। ये देखिए हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको फिर ये जो मैंने यहाँ पर फ्लावर्स बनाने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से है, वो मैं आपको बना के बताती हूँ। वो मैं पिंक कलर से बनाऊँगी। और इसके ऊपर मुझे ये बाजू वाला छोटा सा ब्लेरो बनाना है। इसकी वीडियो जो है वो मैं पहले, स्लीवलेस फ्रॉक मेरा है उसके सोलोमन नॉट का बना हुआ है, उसमें मैं डाल चुकी हूँ। आप वो मैंने फुल बनाया है जैकेट की तरह, इतना बड़ा सारा, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर का भी ऊपर फ्रॉक के ऊपर से पहन सकता है। तो आप मेरी वो वीडियो देखें, उसमें मैंने यही बनाया है। आप बारीक वूल अगर 3 प्लाई यूज़ करें, ये देखिए मेरी मेरी कितनी बारीक है, तो छोटा साइज 2 mm हुक यूज़ करेंगी तो आपका छोटा साइज बन जाएगा। और अगर 4 प्लाई आप यूज़ करें और 3 mm या 3.5 mm हुक यूज़ करें तो फिर आपका साइज जो है वो 6 से 12 मंथ के लिए आपका बन जाए। और ये मैंने बारीक वूल और बारीक हुक यूज़ किया है, सेम मेथड वही है, वो जो मेरी इसकी वीडियो उसमें पड़ी है वो आप देख सकती हैं। उस इसके मैं बाजू बनाऊंगी, बस ये छोटा सा ही ब्लेरो बनाना है, इसके मैं बाजू बनाऊंगी। और उसमें मैंने बाजू का यहाँ पे सारा करके बता दिया है, वो स्लीवलेस है लेकिन मैंने बाजू का उसका स्टार्ट करके बताया था कि इस तरह से आपने बाजू बनानी है, ठीक है। और ये मैं इसके ऊपर से बना रही हूँ। और इसकी फिर मैं एजिंग जो है वो पिंक कलर से करूँगी और ये मैं आपको पूरा शो भी करा दूँगी, ठीक। अब उसके बाद मैंने जो फ्लावर्स लगाने हैं इसके ऊपर, उसका मैं आपको छोटा सा एक बता देती हूँ कि आपने किस तरह से फ्लावर बनाने हैं। आप मैजिकल रिंग भी ले सकती हैं और आप चेन बनाकर रिंग भी इसका यूज़ कर सकते, फ्लावर बना सकते। ये देखिए ठीक है, मैंने सिंगल क्रोशिया 2 3 4 ये देखिए 6 टाइम मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है। और यहाँ पर आकर आपने स्लिप स्टिच, वेरी फर्स्ट वाले में आपने स्लिप स्टिच बना देना है। थोड़ा पहला स्टिच टाइट बनता है तो
भी जो है वो अंदर जाने मुश्किल हो जाती है। ये देखिए ठीक है, और चेन टू लूंगी और इसी सेम स्पेस में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए ए दो हो गए, एक मेरी चेन वाला क्रोशिया हो गया और एक मैंने अब बनाया दो, और ये तीन चार ठीक है। ऐसे मैंने इसको बाहर निकालना है, और जो इसका फर्स्ट वाला स्टिच था, फर्स्ट वाला मेरा क्रोशिया चेन वाला क्रोशिया था, उसमें मैंने डाल के इसको तरह से टाइट कर देना है। ठीक है, ये मेरा पॉपकॉर्न बन गया। ये चेन वन और चेन टू मैंने ली है, और फिर से अब नेक्स्ट वाली जो मेरी चेन है इसमें मैं फाइव पांच डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फाइव डबल क्रोशिया। ये देखें टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव। ठीक है, फिर से देखें, ये मैंने ऐसे हुक निकाल ली है, और फिर आके ये जो मेरा फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट वाला था, उसकी चेन में डाल के इसको मैंने टाइट किया, और हुक यहाँ से मैंने इस तरह से निकाली, और चेन वन की और टू की, और फिर नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से मैं ये पूरा फ्लावर जो है इसकी सिक्स पेटल्स बनेंगी। जितने आप ये यहाँ पे बनाएंगी सिंगल क्रोशिए पहले आपने बनाए होंगी, उतनी ही आपकी पेटल्स जो है वो बन जाएंगे। तो आप ये मैं आप भी कंप्लीट करें, मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब मैंने टू चेन्स ली हैं, और इसके बैक पे जाके ये देखिए जहाँ से हमने स्टिच लिया हुआ है, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह, और फिर इसको मैं कट करके इसका सिक्योर कर, ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया, थोड़ा सा मैंने लंबा छोड़ा है इसको। इसको मैंने नीडल में डाला, और ये पहले वाले के साथ मैंने इसको नॉट लगा दिए इस तरह से। और इसको मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी, और मैंने यहाँ पे नीचे इस तरह से स्टिचेस लगा लिए हैं हर पेटल के। ये देखिए कॉर्नर, और मिड में मेरा जो है वो थ्रेड आ गया इस तरह। ठीक है, मैंने साइडों पे जो इसकी पेटल्स है ना, इसकी ये जो पत्तियां हैं फ्लावर की, उसको साइडों पे स्टिच नहीं लगाने, मैंने ना दरमियान में से, यानी कि ये मेरा बटन बन गया है, इसको मैं दरमियान में यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लगा दूंगी। ठीक है, ये जो इसका दरमियान वाला मेरा पार्ट है सर्कल वाला, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे मैं इसको सिर्फ लगाऊंगी, बाकी पेटल्स जो मेरी हैं, ये देखिए एक मैंने होल में से ऊपर निकाला और दूसरे मैंने होल में से नीचे को निकाला है, फिर मैंने एक होल में से ऊपर को निकाला है और दूसरे में से नीचे को निकाला है। इस तरह मेरा ये कंप्लीट हो गया, और मैं बाकी सारे जो बटन्स हैं उनको भी इसी तरह से, ये अब ये मेरा ना
यूं करके हुक में से हमें निकालने में आसानी रहेगी, क्योंकि ये देखिए ये दरमियान में से ना सिर्फ सात जुड़ा हुआ है। इसको मैं थ्रेड को अच्छी तरह से पक्का करूंगी और इसको मैं ये देखिए आगे अपने इसको ले जाकर यहाँ से मैं इसको कट कर दूँ। ठीक है, ये मेरा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको यूं करके ऐसे तो अपने इसमें से ये देखिए आप चाहें तो अपनी मर्जी से बटन भी लगा सकती हैं। तो मैंने जो है वो इसकी एक एक पैटर्न को ऐसे खींचते हैं तो ये आपका सारा जो है फ्लावर बटन की तरह आएगा। ये देखिए अब आपकी हुक जो है वो अंदर छुप गई है। इसी तरह से मैं जो है वो बाकी सारे कंप्लीट कर लूँगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नादियाज़ वर्ड ऑफ क्राफ्ट आप ज़रूर देखें। और ये बलेरो की ये मैं बलेरो बना रही हूँ, मैंने किसके नाम से वो मैंने बेबी फ्रॉक के नाम से ही वो मेरी उसमें है। वो ऐसे पूरा इतना उसकी लेंथ में बना हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें मेरी वीडियोस में जाकर। बिल्कुल वो ये सेम उसी का पैटर्न है तो आपको पसंद आएगा। ये मैं इसके ऊपर से इस तरह से बनाऊंगी।